दुनिया में भारत की साख तेजी से बढ़ रही है। हर क्षेत्र में हिंदुस्तान तेजी के साथ विकास कर रहा है, तरक्की की नई ऊंचाइयां छू रहा है। भारत में विकास की इस रफ्तार को देखकर अमेरिका और चीन भी हैरान परेशान है। जी हाँ, डिजिटल पेमेंट के मामले में भारत रोजाना नए रिकॉर्ड बना रहा है। दुनिया में सबसे ज्यादा डिजिटल पेमेंट करने के मामले में भारत टॉप पायदान पर पहुंच गया है। भारत की तरफ से साल 2022 में रिकॉर्ड संख्या में डिजिटल पेमेंट की गई। इस दौरान करीब 89.5 बिलियन डिजिटल लेनदेन हुए। भारत टॉप 5 लिस्ट में बाकी 4 देशों से कहीं आगे रहा। माई गवर्नमेंट इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक साल 2022 में हुए डिजिटल पेमेंट की बात करें तो भारत में 46% रियल टाइम पेमेंट किए गए। ब्राजील दूसरे पायदान पर रहा। ब्राजील में 29.2 मिलियन डिजिटल पेमेंट हुए। चीन तीसरे स्थान पर रहा। चीन में 17.6 मिलियन डिजिटल लेनदेन हुआ। चौथे पायदान पर थाईलैंड रहा। थाईलैंड में 16.5 मिलियन का डिजिटल लेनदेन हुआ। साउथ कोरिया 8 मिलियन डिजिटल पेमेंट के साथ पांचवें पायदान पर है। अगर आंकड़ों पर नजर डालें तो भारत के अलावा टॉप के बाकी 4 देशों ने मिलकर जिस तादाद में डिजिटल लेनदेन किया उससे ज्यादा लेनदेन भारत ने अकेले किया है। जाहिर है भारत बाकी देशों के मुकाबले कहीं आगे है। बता दें कि मोदी सरकार ने शुरू से ही डिजिटल इंडिया पर खास जोर दिया है। मोदी सरकार में डिजिटल पेमेंट को खास बढ़ावा दिया जा रहा है। भारत सरकार की तरफ से डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए नई तरह की सुविधाएं शुरू की जा रही हैं। डिजिटल पेमेंट के मामले में भारत हर रोज नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। टाइम्स ऑफ भारत डिजिटल की रिपोर्ट।